दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि भारत ये मुकाबला जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के साथ खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसे कमबैक किया है और ऐसे मैच को बदला है कि सिर्फ छक्के चौके की बरसात कर रहा है और ये मैच टेस्ट मैच नहीं चल रहा बल्कि T20 मैच चल रहा ऐसा लग रहा है। ज्यादातर वैसे जसवाल रोहित शर्मा अंतिम में विराट कोहली और सरफराज खान ने ऐसी बल्लेबाजी कर दिया कि टीम इंडिया को जो कि मुश्किल स्थिति में लग रहा था वो पूरी तरह से एक विशालकाय स्कोर की तरफ बढ़ रहा है और पहले इनिंग का जो खराब परफॉर्मेंस जारी था उसके इनिंग को भी इन्होंने बदला ले लिया। तो आखिरकार इस मैच कैसे रही भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी और कैसे रही भारतीय बल्लेबाजों की पूरी तरह से परफॉर्मेंस आपको बताने जा रहा हूं और किस तरह से इस मैच में लीड ले लिया आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं, साथ ही स्कोर बोर्ड भी आपको दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है टीम इंडिया और न्यूजीलैंड टीम में कौन एक बेस्ट टीम है, कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों के टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है जिसमें से पहला मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया का शुरुआत हुआ था और जिस तरह से न्यूजीलैंड के गेंदबाजी शुरुआत हुआ था एज वेल टीम इंडिया पहले इनिंग में 10 विकेट के नुकसान पे केवल 46 रन का स्कोर खड़ा कर पाया था जो कि देखा जाए तो क्रिकेट इतिहास में सबसे खराब और सबसे लोएस्ट रन स्कोर है। लेकिन इसके बाद जब यहाँ से न्यूजीलैंड की पहली पारी की शुरुआत हुआ था तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम ने ऐसी बल्लेबाजी कर दिया कि टीम इंडिया का एक बहुत ही बड़ा लीड खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि टॉम लेथम और कॉनवे जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो ऐसे बल्लेबाजी कर दिया कि भारत के लिए मुश्किलें काफी खड़ा कर दिया। टॉम लेथम इस मैच में 15 बनाते हैं तो वही कॉनवे जो कि अपने शतक की ओर बढ़ रहा था लेकिन वो भी केवल 91 का स्कोर खड़ा कर पाया। इसके बाद विल यंग 33 रन लेकिन रचिन रविंद्र इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी किया। उन्होंने इस मैच में 157 गेंदों में 4 छक्के और 13 चौके की मदद से 34 रन की पारी खेली तो अंतिम में टीम सऊदी ने 65 रन के पारे खेले और यहां से न्यूजीलैंड की टीम ने पहले इनिंग में 10 विकेट के नुकसान पर 402 रन का विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया। जैसे भारतीय गेंदबाजी के बारे में बात करें तो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को 3-3 विकेट मिले हैं और अश्विन को 1 विकेट मिला है और सिराज को 2 विकेट और अंतिम में बुमराह को 1 विकेट मिला है। देखने वाली बात यह है कि पूरी तरह से टीम इंडिया पहले पारी में अपना खराब परफॉर्मेंस जारी रखा लेकिन दूसरी पारी की शुरुआत जब यहां से टीम इंडिया का हुआ तो पूरी तरह से कमबैक करते हुए नजर आया। देखने वाली बात यह है कि टीम इंडिया का पहली पारी में ना ही बल्लेबाजी में अच्छा खासा कर पाए और ना ही गेंदबाजी में अच्छा खासा कर पाए। ऐसे में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैच को जीत तो नहीं सकता लेकिन कम से कम ड्रॉ पर खत्म करना चाहेगी और ऐसे में टीम इंडिया के एक अच्छा खासा स्कोर की दरकार है कम से कम लीड ले सके और यहाँ से एक अच्छे खासी गेंदबाजी का भी दूसरी पारी में दरकार है। इस मैच में टीम इंडिया ने काफी अच्छा खासा प्रदर्शन किया दूसरे इनिंग में और अपने बल्लेबाजी से पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पूरी तरह से प्लानिंग को फ्लॉप करके रख दिया। जाएं तरफ यशी जसवाल और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं दूसरी पारी की शुरुआत करते हैं तो ऐसे में यशी जसवाल टीम इंडिया को ज्यादा साथ तो नहीं दे पाते हैं लेकिन वो 52 गेंद में 35 रन की पारी खेल देता है लेकिन रोहित शर्मा इस मैच में पूरी तरह से आक्रामक रहिए से बल्लेबाजी कर रहा था लेकिन उसका किस्मत साथ नहीं दिया और वो भी अपने टीम के लिए कोई ज्यादा खास तो नहीं कर पाए लेकिन तीसरे गेंदों में 1 छक्के और 8 चौके की मदद से बाउंड्री की सबसे बढ़िया पारी खेली तो वह विराट कोहली इस मैच में ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से शतक की पारी खेलेगा क्योंकि विराट कोहली इस मैच में 102 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौके की मदद से 70 रन की पारी खेली तो वह सरफराज खान इस मैच में पूरी तरह से आक्रामक रवैये से खेल रहे हैं और ये मैच इस तरह से खेल रहे हैं मानो ये मैच टेस्ट नहीं चल रहा बल्कि ओडीआई मैच चल रहा है क्योंकि सरफराज खान ने छक्के और चौके की बरसात कर दिया है। सरफराज खान की यदि बल्लेबाजी की बात करें तो 78 गेंदों में 3 छक्के और 7 चौके मदद से 70 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला है और अभी वो खेल रहे हैं जिसमें से उसका स्ट्राइक रेट 89 का है तो ऐसे में लग सकता है कि वो किस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है क्योंकि टीम इंडिया के पास एक ही मौका है कि इस मैच को एक अच्छा सा और बढ़िया स्कोर खड़ा करके दिया जाए ताकि टीम इंडिया इस मैच में बना रह सकता है और कम से कम इस मैच को ड्रॉ पर खत्म कर सकता है। और अभी देखने वाली बात यह है कि टीम इंडिया दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन का सबसे बढ़िया स्कोर खड़ा कर लिया। अब आने वाले मैचेस में यहाँ से बड़े दिग्गज किस तरह से पर्सन करता है और कितना स्कोर खड़ा करके देता है आने वाले बल्लेबाजी के दौरान ही पता चलेगा। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है क्या टीम इंडिया इस मैच को ड्रॉ पर खत्म कर पाएगी या फिर मुकाबला जीत पाएगी, नीचे कमेंट पर नाराज बताइए और क्रिकेट अपडेट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के दौरान टीम इंडिया ने 280 रन के विराट अंतर से जीतने के बाद पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़ा भूचाल हो, क्या वो इस रेस से बाहर हो जाएगा या अभी भी उसके पास एक मौका है जो कि फाइनल तक का रास्ता तय कर सकता है। साथ ही असलिया टीम का भी क्या हाल है, इन सारे टीमों के बारे में बताने जा रहा है, साथ ही कौन सी टीम खेलेगी नीचे कमेंट नाराज बताइएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया जिसमें से टीम इंडिया ने काफी शानदार प्रदर्शन किया जहाँ पहले इनिंग के दौरान रविचंद्रन अश्विन और जडेजा के सबसे शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया ने 306 रन का सबसे बढ़िया स्कोर खड़ा कर दिया था और इसके बाद बांग्लादेश की पहली बैट ने एक बहुत ही बड़ा टारगेट बांग्लादेश के सामने खड़ा करके दे दिया। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के बल्लेबाजी शुरुआत हुआ था ऐसे में लग रहा था कि बांग्लादेश एक अच्छा खासा भी 150 की आंकड़ा छू पाया था। इसके बाद जब यहां से टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत होती है तो टीम इंडिया के ऋषभ पंत और सुमन गिल ने ऐसी बल्लेबाजी कर दिया जिसकी मदद से टीम इंडिया ने एक विशाल स्कोर खड़ा कर लिया और अंतिम में इंडिया ने 280 रन के विराट अंतर से जीत लिया है। और इतने बड़े विराट अंतर से जीतने के बाद पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़े बदलाव हो गए, तो आखिरकार पॉइंट टेबल में क्या बड़े बदलाव स्कोर कर पाएगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह और यहाँ तक कि रविचंद्रन अश्विन ने अकेले ही
छह विकेट चटकार को बांग्लादेश की पूरी तरह से बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया, जिसकी मदद से टीम जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है, लेकिन उसका जो फैसला था न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पूरी तरह से फ्लॉप साबित करके रख दिया, क्योंकि आज के इस तरह से टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया था जो आज ऐसा प्रदर्शन। चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों अभी देखा जाए तो इस पॉइंट टेबल के सबसे लास्ट और नौवें पायदान पर वेस्टइंडीज की टीम आती है, जो कि अब तक 9 मुकाबले खेला है जिसमें से 6 मुकाबले हार गया और एक ही मुकाबला जीत पाया है और 2 मुकाबला ड्रॉ हुआ है। यदि उसके परसेंटेज के बारे में बात करें तो 18.52 का है, कहते तो वही रोहित शर्मा जो कि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से यहाँ तक कि कुछ सीजन से अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी मदद से उन्होंने इस मैच में भी कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाता है और 16 गेंद में केवल 2 रन बनाकर आउट हो जाता है।